समाज में जीने के लिए आपको सामाजिक ज्ञान होना जरूरी है। बिना सामाजिक ज्ञान के आप समाज में सही से जी नहीं सकते। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में आज जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के बारे में कि थाने में कौन कौन तैनात होता है। अगर हम नीचे से बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कर्मचारी जो थाने में साफ सफाई वगैरह का काम करते हैं, कागज पत्र फाइल वगैरह का ले जाना लाना, ठीक है, और थाने के मतलब कह सकते हैं देख रेख किसका देख रेख, साफ सफाई का देख रेख, समझ रहे हैं ना, जो थाने में साफ सफाई का देख रेख करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं वो कर्मचारी होते हैं। फिर ड्राइवर जो वाहन चालक होते हैं, ठीक है ना, वाहन चालक ये भी होते हैं। कुक्स जो थाने में भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो कुक्स। फिर आपका चौकीदार, अब देखिए चौकीदार क्या होता है समझ लीजिएगा, चौकीदार जो है वो आपका हर गांव में होता था। इनका काम क्या था कि गांव में कोई भी घटना घटित हो रही है, समझ रहे हैं ना, गांव में कोई अपराधी जो गांव में अपराध फैला रहा है, तो ये एक तरह का खुफिया पुलिस के में काम करते हैं। कैसे कि गांव में किसी तरह का कोई घटना घटता है तो उसके बारे में थाना प्रभारी को जानकारी देते कि इस गांव में जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, समझ रहे ना। तो चौकीदार का काम है गांव में गांव के रिपोर्ट को थाना तक पहुंचाना। फिर है होमगार्ड जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इनका ड्यूटी होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया होमगार्ड, यानी घर में रह के गार्डिंग करना। ये एक थाने से दूसरे थाने जो है तब्दील होते रहते हैं, जहां इनकी जरूरत होती है वहां इनको तबादला कर दिया जाता है, ठीक है, वहां से ये काम करते हैं। यानी ये भी जो है पुलिस के साथ कंधे में कंधे मिलाकर कार्य करते हैं और ये भी अपना भूमिका हमारे समाज में निभा रहे हैं। कांस्टेबल अब थाने के अंदर इनका कार्य क्या है से देखिए। कांस्टेबल का थाने के अंदर ये जो कार्य करते हैं कांस्टेबल, वो थाने के अंदर छोटे मोटे केसेस वगैरह या फिर जैसे कोई गाड़ी को खींच के लाना है, किसी आदमी को जाके सूचना देना है कि बड़ा बाबू आपको बुलाए हैं, तो चला जाता है ना, आया कि बड़ा बाबू आपको बुलाए, चलिए, मतलब ये छोटे मोटे सारे कार्यों को ये देखते हैं। किसी का भाई भाई का झगड़ा, ठीक है, घर में कुछ लड़ाई झगड़े या रोड में मारपीट, तो ये छोटे छोटे झगड़ों को जो है थाना तक लेके आते हैं, ठीक है, और इनका काम यही है। और जैसे कि बहुत सारा गाड़ी वगैरह की जाता है तो ये सबका भी देख रेख जो है यही करते हैं। फिर होता है हेड कॉन्स्टेबल, यानी कॉन्स्टेबल से जो है प्रमोशन होके बनते हैं हेड कॉन्स्टेबल का काम जो होता है ऑफिस वर्क, यानी कि कह सकते हैं कि ये थाने में बैठे होते हैं और जितने भी ऑफिस कागजात कार्य होता है या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग वगैरह होता है, ठीक है, ये सारे चीज का देख रेख कौन करता है, आपका हेड कॉन्स्टेबल। अब होता है सब इंस्पेक्टर, अरे होता है इंस्पेक्टर, ठीक है, योग्य बड़ा बाबू योग्य छोटा बाबू, समझ रहे हैं ना। तो सब इंस्पेक्टर
इनका काम क्या होता है? इनका काम जो है, सो मान लीजिए कोई FIR लिखा है, उसकी जांच पड़ताल कर, ठीक है, क्योंकि FIR की जांच पड़ताल करना है, प्लस में देखिए इंस्पेक्टर, इनका कार्य क्या है? किसी प्रकार का कोई क्राइम हो गया है, बड़ा क्राइम हो गया है, ठीक है, हमारे थाने के अंदर में, ठीक है, कोई बड़ा क्राइम हो गया है, ठीक है, मर्डर हो गया है, ठीक है, रेप हो गया है, तो ये सब बड़े बड़े क्राइम में इनको पहुंचना है इंस्पेक्टर, ठीक है, पूरा एकदम देखिएगा, वो आएंगे पूरी तरह से छानबीन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इनसे कहेंगे, ये इनसे कहेंगे, पूरी तरह से ये वर्क। अब क्या होता है, मान लीजिए एक घर को चलाने के लिए एक गार्जियंस होते हैं ना, मान लीजिए कि आपके घर को चलाने के लिए आपके पापा है, तो मम्मी भी कुछ कार्य कर रही है, आप भी कुछ कार्य कर रहे हैं, आपकी बहन भी कुछ कार्य कर रही है, तो सबका काम बटा हुआ है। अब इस घर का पूरी तरह से देख रेख करने के लिए कौन होता है? SHO, इसी को बोला जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसी के अंतर्गत ये सारे क्या करते हैं, अपना काम को अंजाम देते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ये काम को अंजाम देते हैं। कभी कभी क्या होता है, समस्या यहां नहीं है, समस्या अब होती है कि जब आपको जानकारी नहीं होता है और आप जब थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट में लिखी जा रही, क्यों नहीं FIR लिखा जाता है, FIR आखिर क्यों नहीं लिखा जाता है, इसको समझने होगा आपको। इसलिए नहीं लिखा जाता है कि अगर FIR लिखा गया तो उसकी जांच पड़ताल आपको 30 दिन के अंदर करके कोर्ट में सबमिट करना होगा। अगर कोई अपराधी है तो उसको कोर्ट में आपको क्या करना होगा, दाखिल करना होगा। तो कहने के मतलब है कि अगर आपका FIR कोई नहीं लिखता, ठीक है, और नहीं आपकी बात कोई सुन रहा, तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको जाना पड़ेगा DSP के पास और वो जरूर सुनेंगे आपकी बात। अगर DSP नहीं सुनेंगे तो कहां, SP के पास जाना होगा, और जब आप यहां पे जाइएगा तो आपकी बात को सुन लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, एक चौकीदार भी आता है तो आपको दुहा खींच के चला जाता है, उसका ये राइट नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। एक कॉन्स्टेबल भी आता है तो आपको मार देता है, यहां तक कि अभी तक मैंने जितने को भी बताया इनमें से कोई भी आपके साथ मारपीट नहीं कर सकते। इनका काम है आपको अरेस्ट करना, थाने में लाना, तहकीकात करना कि जो जिसका आपका जो FIR हुआ है वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो उसकी जांच करके कोर्ट में आपको पेश करना इनकी कार्य होता है। तो ये था FIR के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।